तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम BSc थर्ड ईयर के एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उसको बहुत सही से अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसके बारे में बात करना सिंपल है, जानना भी सिंपल है और बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, लेकिन जब उसे हम लिखने बैठते हैं, जब रिटर्न करने बैठते हैं, तब हमें उस चीज़ के प्रति प्रॉब्लम समझ में आती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, इस चीज़ को लिखना कैसे स्टार्ट करें। तो उसमें ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में और साथ ही साथ आपको फुल डिटेल दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन है ही, कह लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको बहुत डिटेल जानना है तो आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करके बहुत भयंकर डिटेल जान सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे आपको सब समझा दिया जाए। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पर ये आपको दिया गया है और जितना पूछा जाता है उसके हिसाब से है। वरना एक्वाकल्चर के अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं और बहुत लॉन्ग सिलेबस उसका बनता है। आपके कोर्स में कितना है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह जाए तो बता दीजिएगा। अब बात करते हैं एक्वाकल्चर की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्वा प्लस कल्चर। एक्वा मतलब पानी, एक्वेटिक एनिमल नाम सुना होगा, तो बस एक्वा मतलब पानी, कल्चर मतलब कृषि या खेती। तो एक्वा कल्चर का मतलब हो जाता है जलीय कृषि। ठीक, अब बात करते हैं एक्वा कल्चर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो एक्वा कल्चर के अंतर्गत भी हम फिश के ही बारे में पढ़ते हैं, फिशिंग क्या कहते हैं, पीसी कल्चर के बारे में ही हम इसमें भी देखते हैं। लेकिन सिर्फ ये पीसी कल्चर तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ ये फिश फार्मिंग तक ही सीमित नहीं है, यानी कि मछली की खेती तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर पानी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनिज्म की भी कल्टीवेटिंग करना, फार्मिंग करना एक्वा कल्चर कहलाता है। तो एक सबसे बड़ा डाउट तो लोगों के मन में यही रहता है कि वो एक्वा कल्चर को भी एक तरीके का पीसी कल्चर ही समझते हैं। ठीक है, ये आपके एक्वा कल्चर का पार्ट है पीसी कल्चर, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन पीसी कल्चर ही एक्वा कल्चर है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब हम इसे देखते हैं, इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर 70% से भी अधिक जो सरफेस है अर्थ की, वो पानी से घिरी हुई है, वहाँ पे पानी पाया जाता है। ठीक, पता होगा यूज वाला पानी जो हमारे पीने योग्य पानी है उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है, बाकी ऐसे मैराइन वाटर की परसेंटेज अर्थ पर सबसे ज़्यादा है, 70% तक है, जो कि आप सब जानते होंगे। और वाटर का हमारी लाइफ में जो यूज है वो नेचुरल रिसोर्स के रूप में है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राप्त हुआ है, और इस वाटर में ही हम इस तरीके का कल्चर कर पाते हैं, और अगर ये वाटर ना होता तो ये कल्चर संभव ही नहीं होता। तो पीसी कल्चर या फिश प्रोडक्शन इसी का एक पार्ट है एक्वा कल्चर का। एक्वा कल्चर को पीसी कल्चर की एक ब्रांच मानी जाती है, मैंने कहा था ना, पीसी कल्चर की एक ब्रांच मानी जाती है एक्वा कल्चर को। एक्वा कल्चर का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, खासकर जो यूनाइटेड स्टेट वाले देश हैं वहाँ पे इनकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, कल्चर किया जाता है, साथ ही साथ उसके उत्पादन से वो लोग इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ा फ़ायदा कमाते हैं। और एक्वा कल्चर के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है या हम एक्वा कल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। उससे पहले मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमें एक्वा कल्चर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, या आखिर क्यों इस तरीके के कल्चर की ज़रूरत पड़ी। तो बात समझिए, जब डिमांड बढ़ने लगी, जो हम खाना खा रहे हैं फिश इन सबों की, जब सी फूड की, ठीक है, समुद्र के फूड की जब डिमांड बढ़ने लगी तो ये प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अब जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे वो उसकी खपत बढ़ेगी तो उसकी मात्रा पर असर पड़ेगा, उसकी मात्रा कम होगी, और पोल्यूशन के कारण जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म लुप्त होने वाले हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक्वा कल्चर हेल्प करता है। तो ऐसे में एक्वा कल्चर भोजन यानी कि फूड और अन्य कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स का
प्रोडक्शन करने में, उनकी कंडीशन को ठीक करने में, उनके पॉपुलेशन को फिर से भरने के लिए, और जो जीव खतरे में हैं, जो जीव लुप्त होने वाले हैं, जिन स्पीसीज़ जो स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है कह सकते हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनको रिक्रिएट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्यारी सी मेथड है। क्या है कि इसे बहुत सोच के बोलना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, बोलते वक्त काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ता है। जब आप कई बार इसे बोल लेंगे तो आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। तो साथ ही साथ आपके बगल में इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखी है, बस शॉर्ट में लिखी है, बाकी हिंदी में भी वही चीज़ लिखी है। मैं एक बार इसे बोल दे रहा हूँ। विद द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ एक्सपेंसिव फूड डिलीशियस वर्ल्ड वाइड एंड टेक्नोलॉजीज एडवांस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू ग्रो फूड इन कोस्टल मैराइन वाटर एंड द ओपन ओशियन। यानी कि जब हमारी डिमांड बढ़ी एक्सपेंसिव फूड की, महंगे फूड की, सी फूड की जब डिमांड बढ़ी और वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, इतनी एडवांस हो गई कि हमें किसी भी जगह पर, किसी भी कोस्टल मैराइन वाटर में, मतलब किसी भी पॉन्ड्स लेक, वहाँ पे हम इतने एडवांस हो गए कि उस जगह को घेर के हम वहाँ पे, या खुले ओशियन में, खुले समुद्र में हम खेती करने के लायक, कल्चर करने के लायक हो गए, तो हमने एक्वा कल्चर को स्टार्ट किया ताकि जो सी फूड की डिमांड है उसे कम की जा सके या उससे अधिक उत्पादन किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। तो इतना कुछ जानने के बाद अब छोटी सी मात्रा में हम एक्वा कल्चर की डेफिनेशन को जान लेते हैं। अब तक बहुत कुछ जान लिया, अब देखते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक्वा कल्चर आल्सो नोन एज एक्वा फार्मिंग, एक्वा कल्चर को हम एक्वा फार्मिंग के तौर पर भी जानते हैं, ठीक, इज़ द फार्मिंग ऑफ फिश। इसके अंतर्गत हम फिश की फार्मिंग करते हैं, क्रस्टेशियंस की फार्मिंग करते हैं, मोलस्क की फार्मिंग करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की, एल्गी की एंड अदर ऑर्गेनिज्म की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल हैं उसकी फार्मिंग हम एक्वा कल्चर के अंतर्गत करते हैं, या पानी में पाए जाने वाली डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज की खेती हम एक्वा कल्चर के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक, समझ में आया। यही आप ब्रॉड रूप में समझा सकते हैं। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि पानी में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की खेती करना, कल्चर करना, फार्मिंग करना ही आपका एक्वा कल्चर कहलाता है। एक दूसरा डेफिनेशन भी है, आप वो भी देख सकते हैं। एक्वाकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कराना, रियरिंग मतलब पालना, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। एक्वाकल्चर क्या है, एक प्रोसेस है पालना, प्रजनन करना यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना, और हार्वेस्टिंग करना यानी कि उनकी कटाई करना। अब कटाई का मतलब पकड़ना, इससे आप ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर यानी कि जलीय जीव, एक्वेटिक क्रिएचर इंक्लूडिंग फिश, सेल्फिश, एल्गी, अदर मैराइन ऑर्गेनिज्म इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर। यानी कि जैसे कि आपका फिश हो गया, सेल्फिश हो गया, एल्गी हो गया, और अदर मैराइन ऑर्गेनिज्म समुद्री जीव जो कि इस प्रकार के वाटर एटमॉस्फेयर में, इस प्रकार के जलीय वातावरण में रहते हों। बात समझ में आ रही होगी, काफ़ी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी ना आए तो बताइएगा। तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि एक्वा कल्चर के अंतर्गत हम ब्रीडिंग, रियरिंग और हार्वेस्टिंग करते हैं, किसकी, एक्वेटिक क्रिएचर्स की, जलीय जीव की हम ब्रीडिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि पालना, प्रजनन कराना यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाना, और उनकी कटाई करना यानी कि उनको पकड़ के बेचना वेचना, जो भी उनकी प्रोसेस है, इस तरीके की प्रोसेस को हम इसके अंतर्गत, एक्वा कल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो एक्वा कल्चर के अंतर्गत किस तरीके के ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है वो भी आप जान लीजिए, ताकि आप पेपर में उनके नाम को डाल देंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है, और एक बार को टीचर को लगता भी है कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पता है कि हाँ इस तरीके की फिश का प्रोडक्शन इनके थ्रू होता है, या इस तरीके की एक्वेटिक प्लांट का प्रोडक्शन इनके थ्रू होता है। बाकी तो अभी आप आगे चल के डिटेल में जानेंगे ही, पर अभी आप यहाँ पर हल्का सा जान लीजिए।
उनके नाम ही आपके सामने पड़े हुए हैं, जैसे सीप हो गया, क्लैम्प हो गया, क्लैम मसल्स हो गई, झींगा हो गया, समुद्री शैवाल हो गया, मछली में जैसे सैलमन हो गया, ब्लैक सी बॉस हो गया, सेबल फिश हो गया, येलो टेल और पोम्पानो जैसी अदर और भी कई तरीके की प्रजातियों का उत्पादन एक्वाकल्चर के द्वारा किया जाता है। अब इतना सारा तो नाम हम याद रखेंगे नहीं, हाँ आपको जो मछली पसंद होगी आप खाते होंगे तो आप रख लीजिएगा, नहीं भी खाते होंगे तो भी याद रख लीजिएगा। तो इतनी जानकारी बच्चों हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक यानी कि सेकेंड टॉपिक पर, और सेकेंड टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर, कि कितने प्रकार का एक्वाकल्चर होता है। तो वैसे तो बहुत प्रकार का होता है भैया, बहुत ही ज़्यादा प्रकार का होता है, ज़्यादा बहुत डिटेल देखना होगा, विकिपीडिया पढ़िए, सर्च कीजिए, बहुत भयंकर डिटेल मिलेगा। लेकिन मेनली जिनको हम पढ़ते हैं वो तीन ही टाइप है, और उसका नाम है मैरी कल्चर, दूसरा फिश फार्मिंग, तीसरा एल्गा कल्चर। एक और है जो हम पढ़ते हैं लेकिन उसे हम नहीं पढ़ेंगे, शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो हम इस वीडियो में तीन को देखेंगे, मैरी कल्चर, एक्वा कल्चर और सॉरी एल्गा कल्चर और फिश फार्मिंग को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैरी कल्चर। मैरी कल्चर नाम से ही लग रहा है, मैराइन वाटर, मैराइन कल्चर, मैरी कल्चर, बस समझ में आ गया होगा। तो बस मैराइन का मतलब होता है खारा पानी यानी कि समुद्र, यानी कि इस तरीके का कल्चर समुद्र के पानी में ही किया जाता है, यानी कि सी वाटर में ही किया जाता है, यानी कि आप बात समझ गए होंगे। और इसी टॉपिक पे मैं अगर इतना ही बता के भाग जाऊं तो आप कहेंगे कि कितने अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन बिल्कुल नहीं, हम आपको और डिटेल दूंगा कि इसमें क्या है और किस तरीके की चीज़ों का प्रोडक्शन करती है मैरी कल्चर। ठीक, अब हम बात करते हैं उसकी। तो देखिए हम आपको अपनी इंग्लिश की प्रतिभा को दिखा रहे हैं। मैरी कल्चर नीड्स सी वाटर, दिस टाइप ऑफ एक्वा कल्चर इज डन आइदर बाय द ओशियन, अ सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द ओशियन ऑन इन पाउंड्स कंटेनिंग सी वाटर, मोलस्क, सेलफिश, पॉन एंड सी वीड आर द मैराइन ऑर्गेनिज्म आफ्टर ब्रेड इन सच पार्ट ऑफ द ओशियंस। कितनी वेरियंट इंग्लिश में पढ़े हैं। अब इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं कि मैरी कल्चर को हम सी वाटर में ही करते हैं, ऐसा दिस टाइप ऑफ एक्वा कल्चर डन आइदर बाई ओशियन और न सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द ओशियन, यानी कि इस तरीके का एक्वा कल्चर हम समुद्र में भी कर सकते हैं या समुद्र का ही किसी सेगमेंटेड पार्ट में, मतलब बटे हुए पार्ट में, घेरे हुए पार्ट में, जैसे कोई पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, कोई टैंक हो गया, बस वहाँ पे सी वाटर होना चाहिए। यानी कि भारी मात्रा में इनका कहना यह है कि तू खेती कहीं भी करा, कल्चर कहीं भी करा, वहाँ पे सी का वाटर होना चाहिए, बस मैरी कल्चर। और थोड़ा सा जान लीजिए, मैरी कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस एक्वेटिक स्पीसीज का यूज सिर्फ फूड के लिए ही नहीं किया जाता है, जान लीजिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं किया जाता है, इसका यूज कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है, और फूड एडिटिव्स में भी किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ओशियन के पास छोटे छोटे तालाब बनाकर, टैंक्स बनाकर, या किसी भी जगह पर जहां समुद्र का पानी पहुंच सके या समुद्र का पानी इकट्ठा हो, अगर हम वहां पर कल्चर करते हैं तो वो आपका मैरी कल्चर कहलाता है। समझ में आ गया होगा। आगे और जानिए, मैरी कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस सीवीड्स का, सीवीड्स क्या है, ये एक प्लांट है, ठीक है, सीवीड्स का और इनके जैसी स्पीसीज का यूज कॉस्मेटिक्स में और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। कितना मेहनत से हम याद करके बोल पाया हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जान लीजिए कि सीवीड्स के अंदर कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन यानी कि बोन मैरो, उसको बाहर निकाल कर उसका यूज कर फेशियल क्रीम्स बनाए जाते हैं, यानी कि सीवीड्स के बोन मैरो का यूज फेशियल क्रीम्स बनाने में किया जाता है। दूसरा, जो पर्ल्स होते हैं वो मोलस्क से प्राप्त किए जाते हैं, मोलस्क से पर्ल्स यानी कि मोती प्राप्त की जाती है, और उसका हम ज्वेलरी में और जो भी आपके फैशन आइटम्स हैं उनमें बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भैया आपका मैरी कल्चर ख़त्म, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका फिश कल्चर। फिश कल्चर यानी कि बहुत सिंपल कल्चर, ठीक। फिश फार्मिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्वा कल्चर, यानी कि समझ में आ ही गया होगा कि फिश फार्मिंग एक्वा कल्चर की बहुत ही सामान्य सी टाइप है, सामान्य सा प्रकार है।
इसमें सेलेक्टिव फिश की ब्रीडिंग की जा सकती है, ये नहीं कि हर प्रकार के फिश की, बहुत ही गिने चुने कुछ सेलेक्टिव फिश हैं उनकी ब्रीडिंग की जा सकती है। और ये फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों तरीके के पानी में किए जा सकते हैं, यानी कि आपके ताजे पानी में भी हो जाएंगे, सी वाटर में भी हो जाएंगे। कितने भले इंसान हैं ये। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए सुनिए, इस मेथड से ब्रीडिंग करके फूड और उसके कंजम्पशन के स्रोत को, उसके सोर्स को भी इनक्रीज किया जा सकता है, प्रोडक्शन में बढ़ाने में हेल्प किया जाता है, किसके, फूड के और उसके खपत को, मतलब कंजम्पशन को इनक्रीज किया जा सकता है इसके माध्यम से, इस सोर्स के माध्यम से इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्या क्या कहेंगे। अब इस पे आपका मन हो सकता है कि आप बोलें कि कौवे जैसी आवाज़ वाले थोड़ा धीरे बोलो, लेकिन इतनी गंभीर होकर पढ़ाई मत किया करिए, थोड़ा इंटरेस्ट लाइए यार। अगला लाइन सुनिए, फिश फार्मिंग काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि ये अदर काइंड ऑफ फार्मिंग की तुलना में काफ़ी आसान है, ठीक है, ये ऐसे आसान नहीं है, जो दूसरे तरीके की फार्मिंग है उनकी तुलना में फिश फार्मिंग थोड़ी आसान मानी जाती है। और दूसरी राज की बात बताएं, इसकी उतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती, बेचारे बहुत अच्छे हैं, केयर नहीं मांगते हैं, बोलते हैं हम हल्को हल्का हल्का भी दे दोगे ना हम जी लेंगे। फिश फार्मिंग की प्रोसेस में सिर्फ उनके प्रॉपर फूड, मतलब उनको सिर्फ प्रॉपर फूड एंड वाटर की रिक्वायर्ड होती है, और थोड़ा मोड़ा अगर गर्मी वर्मी से बचा लेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, तो बहुत आसानी से जी लेते हैं। और इतने अच्छे हैं बेचारे, इतने अच्छे हैं कि छोटी सी स्पेस में भी रह लेते हैं। ये आपसे नहीं कहते कि हमको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, हमको दिल के कोने में जरा सा स्पेस दे दोगे हम रह लेंगे, ठीक है, हमारी कोई नौटंकी नहीं है, बहुत ही सुंदर हैं हम, इसीलिए तो मछली हैं हम। और उन छोटे स्पेस में भी हर कोई नहीं रह पाता है, जो बहुत अच्छी स्पीसीज की मछली होती हैं, जैसे कि टिलपिया या टिलापिया, जो भी आप पढ़ सकते हैं, TILAPIA, तो टिलापिया की जैसी स्पीसीज़ कम स्पेस में रह लेती हैं। तो अब तक अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसके बाद जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और साथ साथ अगर मन कर जाए तो कमेंट कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं, टॉपिक लंबा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और इस टॉपिक का नाम है एल्गा कल्चर। अब एल्गा कल्चर इज अ टाइप ऑफ एक्वा कल्चर, जाहिर सी बात है, जिसके अंतर्गत हम एल्गी की फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने आप को ज्ञानी बनाते हैं। एल्गी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल बोथ के गुण, बोथ के क्वालिटी, बोथ की कैरेक्टर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे तो उसी के थ्रू फूड बनाकर खाएंगे, जैसे कि हमारे ग्रीन लाइक, मतलब जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट, जैसे कि हमारे हरे हरे पौधे होते हैं, वो यही प्रोसेस करते हैं। एल्गी का यूज प्रोटीन एंड इंडस्ट्रीज के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी कि प्रोटीन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है और इसका इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। अब इतना ही नहीं है, इना कि इसी पे कुंडी मार के बैठ जाएं, और भी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे और भी बहुत सारे पर्पज़ के थ्रू इनका यूज किया जाता होगा, ठीक है। ये आपके ज्ञान के लिए थी, आपने यहाँ तक जान लिया। अब इसके बाद में हम अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें जानेंगे जो इनसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इनको करने से हमको फ़ायदा क्या होता है, वो फ़ायदा जानेंगे, प्लस साथ साथ ये किस तरीके के पानी में रह लेते हैं, चार प्रकार का पानी है ये यूज करते हैं, वो भी साल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कि जैसी उसकी सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी यानी कि जैसी उसकी लवणता होती है पानी के अंदर, जितनी ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है उसके बेस पे उसको बांटा गया है। चार तरीका है, चारों प्रकार उसमें पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके सैलेंट कैरेक्टर को देखेंगे कि इसके द्वारा हमें क्या फ़ायदा होता है, और वो बहुत सारे हैं, हम उनमें से गिने चुने 10 पढ़ लेंगे काफ़ी है, ठीक है। और ऐसी ही अमेजिंग और धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, जल्दी मिलेंगे एक दिन के अंदर।